नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ में केमिकल काइनेटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन क्या होती है। स्लो रिएक्शन अर्थात ऐसी रिएक्शन जो टाइम लेती है, अर्थात अधिक समय में संपन्न होती है, उन्हें हम स्लो रिएक्शन कहते हैं। यहाँ आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड। फास्ट रिएक्शन अर्थात जो रैपिडली हो जाती है संपन्न, जो शीघ्रता से संपन्न हो जाती है, उन्हें हम फास्ट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया, जैसे मिक्सिंग AgNO3 सॉल्यूशन इनटू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। यदि हम AgNO3 और NaCl की रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट आते हैं जो शीघ्रता से आते हैं। तो जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती है वो रैपिडली संपन्न होती है, इसलिए उन्हें फास्ट रिएक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट से मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर द चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, इट मीन्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर इक्वल टू डिक्रीजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ हम मैथमेटिकली इस ढंग से इसको शो कर सकते हैं। चूँकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है इसलिए यहाँ पर माइनस साइन है, डेल्टा आर, आर मीन्स रिएक्टेंट, और डेल्टा टी अर्थात यहाँ पे जो टाइम टेकन हो रहा है वो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट होगा। तो जितने समय में रिएक्टेंट डिसअपीयरेंस होगा वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस दिखाई गई है आपको, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी यानी प्रोडक्ट इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पर जो आप साइन देख रहे हैं वो डेल्टा पी प्लस में है, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने से वहाँ पर उसको माइनस साइन से दिखाया गया है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। तो चूँकि कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है, यदि हम मोटे तौर पर इसको देखें, इसको ब्रॉड उसमें देखें, तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर और टाइम टेकन है सेकंड, इसलिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा।